नमस्कार, मैं हूं एमएस आर्डर और आज की कहानी का नाम है दूसरों के सहारे जीवन निर्वाह करने वाले हमेशा दुखी रहते हैं। अब तक हमने कई सारी कहानियां सुनी हैं विदुर नीति के अंतर्गत, ये दूसरी और नई कहानी है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि सत्या और कुसुम दोनों बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन सत्या का जीवन निर्वाह करने का स्वयं पर नहीं कुछ माध्यम था। ही वॉज एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन हिज फादर अलकनाथ। वॉट एवर अलकनाथ वॉज अर्निंग, दैट वॉज अ सोर्स ऑफ इनकम। अलकनाथ का फैमिली भी बहुत ज्यादा वर्चस्व था, क्योंकि वो कमाते थे तो कहीं ना कहीं वो सत्या को एक बहुत ही ज्यादा हेय दृष्टि से देखते थे। मीन्स ही ऑलवेज यूज टू लुक डाउन अपॉन सत्या, एंड ऑफकोर्स इट वॉज वन ऑफ द रीजन ड्यू टू विच कुसुम एक्चुअली ऑल्सो वॉज नॉट रिस्पेक्टिंग सत्या। ऐसा होता है जब आप दूसरों पर निर्भर करते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए, तो आपका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट मर जाता है। और ऐसा ही था सत्या के साथ में भी। पहले पहले जब कुसुम शादी होकर आज से 15 साल पहले सत्या के साथ आई थी, तो वो यही रोज सोचती थी कि एक वो दिन आएगा जिस दिन सत्या अपनी जॉब ढूंढ लेगा और अपने पैर पर खड़ा हो जाए। अलकनाथ हमेशा गलत फायदा उठाने के चक्कर में रहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी स्त्री का देहांत काफी सालों पहले हो चुका था और वो अकेले रहते थे। उनकी बुरी नजर थी कुसुम के ऊपर, और उस बुरी नजर को उन्होंने कई दिनों तक रखा और फाइनली कुसुम को अपने काबिज कर लिया। एक दिन जब वो और कुसुम आपस में लिपटे चिपटे थे, तभी उसी दिन सत्या ने उन लोगों को देख लिया और सत्या ने पूछा, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? और कुसुम, तुमने ऐसा क्यों किया? थोड़ी देर चुपकी के बाद में कुसुम ने कहा, क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी आरती उतारूंगी? हर छोटी बड़ी चीज के लिए मुझे इनके पास ही जाना पड़ता था, तो आज वो दिन आ गया जब मैं इनकी दासी बन के रह गई। मैं पिछले कितने सालों से इंतजार कर रही हूँ कि तुम अब अपने पैर पे खड़े होगे, तुम तब अपने पैर पे खड़े होगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो आराम के जीवन जीने की आदत हो गई है, तो ठीक है फिर अब बांट लो, मुझे भी शेयर कर लो। सत्या को इतना गुस्सा आया कि उसे लगा कि वो दोनों को वहीं जमीन के अंदर गाड़ दे। सत्या ने कहा, चुप करके बैठ वरना यहीं खत्म कर दूंगा। कुसुम ने बेशर्मों की तरह कहा, तेरी औकात भी है क्या जो दो वक्त की रोटी कमा नहीं सकता, और तू चला है मुझे जान से मारने के लिए? निकल यहाँ से, आज के आज इस घर को खाली कर। और जहाँ तक रही बात साथ में रहने की, मैं देती हूँ तुझे तलाक। मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं चाहिए जो खुद छोटी बड़ी चीजों के लिए दूसरों का मोहताज है। अलकनाथ ने कहा, यहाँ से निकल जा और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, भूल जा कि ये तेरी पत्नी है, समझा? सत्या का दिमाग चकरा गया, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था। ये शायद कई दिनों से हो रहा था और उसे आज समझ में आया था। पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आज उसे महसूस हो रहा था कि उसे बहुत पहले ही अपने पैरों पर खड़े हो जाना चाहिए था। जो लोग दूसरों के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं, वो एक बंधुआ मजदूर से भी बदतर जीवन जी। लेकिन आज बहुत देर हो चुकी थी, आज वो कुछ नहीं कर सकता था। चुपचाप से सर लटकाकर वो बाहर निकल गया। कुसुम ने अलकनाथ को कहा, डार्लिंग आप उसकी चिंता मत करो, चलो हम अपना कंटिन्यू करते हैं। अलकनाथ ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं थोड़े दूसरे लोगों की वजह से अपना मूड खराब करूंगा। फ्री लोडर कहीं का। वो अपनी दुनिया में रहने लग गए और मस्त रहे, और यहाँ पे ये परेशान और हैरान रहा। जब समय रहते सत्या ने अगर नौकरी ढूंढ ली होती, अपने पैर पर खड़ा हो गया होता, तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। हाँ, गलती थी, कुसुम की थी, अलकनाथ की थी, लेकिन ये सारे मौके, सब के सब कमियां सत्या में थी। अगर वो समय रहते छोटी बड़ी हर तरह की ज़रूरतें खुद अपने पैर पर खड़े होकर पूरी करता, तो शायद कुसुम को अलकनाथ का मोहताज नहीं होना पड़ता और ये दिन ना आता। किसी ने सही कहा है, अगर सुखी रहना है तो अपने पैरों पर खड़े हो, अपने खुद के पंखों से उड़ान भरो। इसी कहानी के साथ आज मैं यहीं पर रुकती हूँ। अगली कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।